नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बीती रात से बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलोंग और अटल टनल के पास 1 इंच तक बर्फ जम चुकी है। वहीं लाहौल स्पीति की सड़कों पर फिसलन भी बढ़ गई है, जिससे सफर खतरनाक हो सकता है। उधर चंबा के पांगी भरमौर में भी रात से हल्की बर्फबारी हो रही है। इससे प्रदेश भर में शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग ने आज भी चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, किन्नौर की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी होने का अलर्ट जारी किया है। ऊंचे क्षेत्र में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश होने का अनुमान जताया गया है। इसी तरह कांगड़ा, मंडी और शिमला में हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। हमीरपुर समेत 5 जिलों में बारिश हो रही है। शिमला में भी रात से मौसम खराब बना हुआ है। सुबह के वक्त हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। इससे मौसम बहुत ठंडा हो गया है। बीती रात से हो रही बर्फबारी के बाद अधिकतर शहरों का पारा 10 डिग्री से नीचे गिर गया है। कल्पा, केलोंग, रिकांगपियो, कुफरी, पांगी, भरमौर का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे गिर गया है। शिमला और आसपास के क्षेत्रों में आसमान में काले बादल छाए हैं, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम बर्फबारी के लिए पूरी तरह तैयार है। मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के प्रदेश में दस्तक देने के कारण दर्ज किया गया है। मौसम में इस बदलाव के कारण प्रदेश के लोगों को ड्राई स्पेल्स, लिप्स छुटकारा मिलेगा। मानसून के जाने से मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 1 महीने बाद मौसम ने करवट ली है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना।